गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स दिस इज़ योर हिंदी बुक दैट इज़ सुनहरी धूप वी टूडे वी विल रीड चैप्टर नंबर थ्री दैट इज खेल खेल में वी विल कंप्लीट आ रेस्ट ऑफ द पार्ट सो टर्न ऑन द पेज नंबर ट्वेंटी नाइन तो स्टूडेंट्स हमने अब तक इसका फर्स्ट दृश्य सेकंड दृश्य और थर्ड दृश्य तीनों रीड कर लिए थे आज हम इसका चौथा दृश्य रीड करेंगे तो हमने इस स्टोरी में क्या रीड करा था इस स्टोरी में कौन फॉर मेन कैरेक्टर्स थे चिंकू मीनू मम्मी पापा पापा कहाँ गए थे बेंगलुरु मीनू के लिए क्या लेकर आए थे दो चोटी वाली गुड़िया और चिंकू के लिए क्या लेकर आए थे उसके पापा चिंकू के लिए हवाई जहाज लेकर आए थे तो पहले दृश्य में हमने क्या रीड करा था कि बच्चे बहुत खुश थे अपने टॉयज को लेकर दूसरे दृश्य में अपने टॉयज की खूब तारीफ कर रहे हैं तीसरे दृश्य में कोई अः अपने एक दूसरे को कह रहा है कि आपका टॉय इतना सुंदर कैसे हो सकता है मेरा ज्यादा बेस्ट है फिर दोनों ही प्यार से दिनों पहले उनमें बहस होती है फिर धीरे धीरे वो सुलझ भी जाते हैं आज हम रीड करेंगे चौथा दृश्य फिर एक दिन चिंकू ने बड़े प्यार और मनुहार से मीनू की गुड़िया को हवाई सैर का न्योता दिया बहुत देर तक गुड़िया हवाई जहाज में बैठकर घूमी जब हवाई जहाज चक्कर काट कर गिरने लगा तो मीनू की चीख निकल गई एक दिन क्या हुआ चिंकू के पास जो हवाई जहाज था उसमें गुड़िया को हवाई सैर करवाई तो बहुत देर तक गुड़िया उसमें बैठ कर घूमने लगी तो जैसे ही वो चक्कर काटकर हवाई जहाज गिरने लगा तो मीनू की चीख निकल गई वह डर गई मीनू क्या बोली ओ मेरी गुड़िया तो गई चिंकू ने झट से हाथ बढ़ाकर मीनू की गुड़िया अपनी लपक ली टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर चिंकू अपने जहाज को बड़े प्यार से डांटते हुए अपने जहाज को क्या कर रहा है प्यार से डांट रहा है और कह रहा है अरे पगले ठीक से उड़ाया कर अगर मीनू दीदी की गुड़िया नीचे गिर जाती तो कौन मुझे अच्छा पायलट कहता और फिर मीनू दीदी का गुस्सा तो जानते ही हो ना, वे नाराज होती हैं तो कितना चिल्लाती हैं अब दोनों हंसने लगे मम्मी पापा भी उन दोनों का प्यार भरा झगड़ा और खेल देखकर जोर से हंसने लगे पापा क्या बोले शरारती कहीं के मम्मी यही तो खेल है इनका सो so स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है चैप्टर नंबर थ्री थोड़ा सा अभ्यास भी आज हम कर लेंगे अभ्यास सबसे पहले रीड करेंगे हम शब्दार्थ स्टूडेंट्स ये आपको अपनी नोटबुक्स में भी लिख नोटबुक में भी नोट डाउन करने हैं फर्स्ट वन इज़ करतब कारनामा दुश्मन शत्रु तारीफ प्रशंसा लपकली उचक कर पकड़ ली पायलट हवाई जहाज़ चलाने वाला श्रुतलेख ये भी आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है तालियां घमंड बिल्कुल, दुश्मनों इंद्रधनुष। टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर थर्टी वन सही उत्तर चुनकर आपको टिक लगाना है पापा कहाँ गए थे बेंगलुरु चिंकू ने खुद को क्या कहा पायलट। गुड़िया ने किस रंग की चुनरी पहनी है हरी ये मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न आपको मैं नोटिस में शेयर करूँगी नोट्स में टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर डेट इज थर्टी टू दिए गए वाक्य जिसने कही हैं उनके चित्रों से मिलानी है यह तो खूब तालियां बजाती है यह किसने कहा था मीनू ने अपनी डोल के लिए कहा था अपने देश में बनी चीजों पर गर्व करना चाहिए पापा ने कहा था मेरा हवाई जहाज़ नीला है मीन चिंकू ने कहा यह तो खूब तालियां बजाती है, यह किसने कहा मीनू ने यही तो खेल है इनका मम्मी ने नेक्स्ट निर्देशों का पालन करती हुई वाक्य दोबारा लिखनी है पापा मीनू के लिए गुड़िया लाए आपको इसमें क्या यूज़ करना है नहीं का यूज़ करना है पापा मीनू के लिए गुड़िया नहीं लाए सेकंड देखे तुम मेरी गुड़िया से खेलो आपको मत का यूज करना है तुम मेरी गुड़िया से मत खेलो नेक्स्ट ड ढ का उच्चारण करो वे अंतर समझ कर शब्द लिखो ड से डर ढ से डरपोक ड गुड़िया चिड़िया ढक्कन ढ ढोलक ढ चढ़ना बढ़ना टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर थर्टी थ्री किसी जगह अनुस्वार लगेगा समझो और लिखो रंग बिंदु लग जाएगा बेटा पंकज मंगल बंद अंदर सुंदर घंटा हमें हाँ बस अनुस्वार लगाना है ठंडा अंडा मुहावरों के अर्थ समझिए आकाश से बातें करना बहुत ऊंचा होना छक्के छुड़ाना भूरी तरह हराना फूला न समाना बहुत खुश होना शेखी बगाड़ना शेखी बघारना क्या होता है अपनी झूठी तारीफ करना जो हम असली में डिज़र्व नहीं करते दूसरों को शो ऑफ करने के लिए जब हम करते हैं दैट इज शेखी बगाड़ना झूठी शान दिखाना स्टूडेंट्स आपका इस चैप्टर का बुक वर्क भी डिवाइड हो चुका है बुक वर्क भी एक बारी हो गया है बाकी मैं इसकी सारी फोटोज नोट्स नौ, में क्लास नोट्स में डालूँगी थैंक यू